जमशेदपुर के एक निजी स्कूल के प्राचार्य कक्ष में लाइव पिटाई का वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है। दरअसल जमशेदपुर के बेलडीही चर्च स्कूल में आए दिन कोई न कोई विवाद होने से स्कूल और प्रबंधन की सुर्खियां बनती ही रही हैं। मामला बीते 5 फरवरी का है। स्कूल में 7वीं कक्षा के 2 छात्रों के बीच छोटी सी बात को लेकर बड़े विवाद ने मारपीट का रूप धारण कर लिया और निशांत कुमार नामक छात्र को दूसरे छात्र ने घायल कर दिया, जिसके बाद निशांत को आंख में गहरी चोटें आई, जिसके बाद उसे TMH ले जाया गया, जहां उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने कोलकाता के शंकर नेत्रालय इलाज के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों के मुताबिक निशांत की आंख 80% खराब हो चुकी है और नेत्र चिकित्सक आंख को ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं। इधर पीड़ित छात्र निशांत के चाचा ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही का परिणाम है, हमें आंख के बदले आंख चाहिए और यदि इलाज से आंख ठीक हो गई तो प्रबंधन मुआवजा दे। आंख में जबरदस्त चोट लगा एक बच्चे ने मारा बेल्ट से, और स्कूल से हॉस्पिटल का दूरी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर का है और हमारे घर से स्कूल का दूरी है 10 किलोमीटर। मैं घर से अपने स्कूल TMH पहुँच गया, लेकिन विद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर। मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट करा, तब तक स्कूल का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा था। यह बिल्कुल स्कूल का नेगलेंसी है, समझे। और मेरे बच्चे का आँख 90% लगभग डैमेज हो चुका है, ठीक है। और अभी तक स्कूल वालों ने एक दिन फ़ोन करके ये पूछा भी नहीं कि बच्चे का हाल कैसा है। और बच्चे का नाम क्या है? रेशांत कुमार ओझा। किस क्लास में? क्लास 7 में। कहाँ? कलकत्ता शंकर नेत्रालय। क्या है दिक्कत, क्या है आपको? इस सर में चोट है और आँख में चोट है, तो भाई लेकर गए हैं, उनके फादर, हम उनके अंकल हैं। वहीं निशांत के परिजन अपने सगे संबंधियों के साथ स्कूल के प्राचार्य से मिले और स्कूल प्रबंधन पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्राचार्य कक्ष में पूरी घटना पर गर्मा गर्म बहस हुई। बहस के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्कूल के शिक्षकों के साथ पहले धक्का मुक्की की और प्राचार्य के समक्ष ही पिटाई भी कर दी। मामला तूल पकड़ता देख स्कूल द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गई। दूसरा जो बच्चा ने मारा बेल्ट से, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द फादर प्लीज टेक द TCN गो। आई एम अलाउंग द चाइल्ड टू। बच्चे ने मारा, उसका नाम क्या था? लाचार थे, इतना शॉक हो गए। तुरंत हमारे स्टाफ आए और वो ये लोग भी दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। तब हमारे स्टाफ चिल्लाए, फिर जाके खोले, फिर हमारे रॉबर्ट्स को मारे, अशफाक को भी धक्का दिए, आनंद को भी धक्का दिए। जब मेरा स्टाफ सुबोध अकाउंटेंट को भी, जब मेरा, आप सोचिए सर, अभी गॉड फॉरबिड कोई भी बच्चा का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं जाने मांगेगा TMH, क्योंकि जब मेरा स्टाफ गया था तो उसको मारा भी यही लोग ने। TMH में मारा था? यस। ये तब क्या आप तो आई उसके बाद, तब हमने बता दिए पुलिस को। वही सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ी स्कूल पहुंची और विधि व्यवस्था को लेकर मामले को शांत कराया। पूरे घटनाक्रम में पूर्व में ही पीड़ित छात्र निशांत के परिजनों द्वारा बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस पूरी घटना पर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। चर्च स्कूल से सूचना मिली कि यहाँ पे पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन के बीच में लॉ एंड ऑर्डर वायलेंस का कुछ मैटर हो रहा था। स्कूल तरफ से ये सूचना मिली थी, उसके रिगार्ड्स में हम लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए आए हुए थे। क्या हो रहा था, क्या हुआ था, क्या आए तो वो बच्चे का जो मैटर था वो मारपीट का, 2 बच्चों के बीच में मैटर था। ये 2-3 पहले की घटना थी, उसके रिगार्ड्स FIR दर्ज कराई गई है जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स के द्वारा। उसके ये में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद बच्चे के पेरेंट्स यहाँ आए थे, उन लोगों का स्कूल प्रशासन से कुछ आपसी मैटर था, कुछ एग्जाम्स के लेकर के भी उन लोगों का क्वेश्चन क्वेरी था, उसके रिगार्ड्स भी वो लोग आए हुए थे। इसके बाद अभी प्राइमा फेसिया जब हम आए तो इस तरह की कोई ये ना देखी गई हमारे द्वारा, इस तरह की नहीं थी। हाँ, साउटिंग थोड़ी थी, बट ये मार्केट वाली कोई ये नहीं, और हमारे सामने और पेरेंट्स के सामने भी इस तरह की कोई बात नहीं स्कूल प्रशासन के द्वारा ना बताई। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन प्राचार्य की मौजूदगी में उनके ही कक्ष में स्कूल के शिक्षकों के साथ परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर नाराजगी देखी गई। उन्होंने शिक्षा विभाग और पुलिस के संज्ञान में लाने की बात कही, साथ ही साक्ष्य के तौर पर CCTV में कैद मारपीट की घटना को भी स्कूल प्रबंधन ने
स्थानीय पुलिस और मीडिया कर्मियों को उपलब्ध कराया। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।